close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on How are you? Welcome to Fact and Figures. तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है स्मार्ट की के बारे में. ये स्मार्ट की है मारुति सुजुकी सियाज की, और आजकल मारुति सुजुकी नहीं सारी ही गाड़ियां स्मार्ट की लेके आ रही हैं. बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे वर्क करती है, ये बहुत कम लोगों को पता है, तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो. मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच के आपको इसके सारे फीचर्स बताने वाला हूं, जो बोलते हैं हिडन फीचर्स हैं और बहुत कम लोगों को पता है. सो गाइस, देखते हैं अपनी वीडियो में आगे. तो जैसे आप ये देखेंगे, ये मेरी गाड़ी की स्मार्ट की है. इसमें की नहीं होती, ये बेसिकली स्मार्ट की कहते हैं इसको. ये नया फीचर्स आया है गाड़ियों में, तो आज मैं इसी के कुछ हिडन फीचर्स आपको बताने वाला हूँ. और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखेंगे इसके अंदर एक की भी होती है. मैं आपको दिखाता हूँ इसे ओपन करके. जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए इसके अंदर एक की भी होती है. तो मैं आज आपको इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है. ये की है, ये मेरी रिमोट है, ठीक है. तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ. तो चलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं स्मार्ट की के बारे में. आप देखेंगे इसमें तीन बटन है, लॉक, अनलॉक एंड ये है बोनट ओपन, पीछे से ओपन करने के लिए, ठीक है. अगर हम अपने डिग्गी ऑफ करनी है, बूट स्पेस अपना अगर ओपन करना है, तो उसके लिए हमारे बटन है. आप ये देखेंगे जैसे ही मैं इस की को प्रेस करता हूँ, मेरी गाड़ी लॉक हो गई, और इसको जैसे मैं प्रेस करता हूँ अनलॉक हो गई. बट जो ये की है लास्ट वाली, आप देखेंगे इसको प्रेस करने पर कुछ नहीं हो रहा अभी. ये देखिए मैंने अपनी गाड़ी लॉक कर दी है. अब मैं इस की का आपको फंक्शन बता रहा हूँ. अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारा जो बूट स्पेस है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. देख ली, मैं आपको करके दिखाता हूँ. ये देखिए, तो ये इसका एक फीचर है कि आप अगर इसको लॉन्ग प्रेस रखते हैं तो हमारा बूट स्पेस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. जैसे आपने देखा मेरा बूट स्पेस ओपन हो चुका है. तो चलिए आपको मैं एक दूसरा इसका फीचर दिखाता हूँ. आप ये मेरी की देखेंगे, मेरी गाड़ी लॉक है. मैं पहले इसको लॉक कर देता हूँ. मैंने अपनी गाड़ी को लॉक कर दिया और मैंने सिर्फ बूट स्पेस ओपन करा. बूट स्पेस ओपन करने के बाद मैंने अपनी की अंदर रख दी. अब आप देखेंगे जैसे मैं इसको लॉक करना चाहूँगा, मेरा बूट स्पेस लॉक नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर की पड़ी है. और जैसे मैं की निकालने के बाद इसको बंद करता हूँ, देखिए ये हो जाता है लॉक. तो ये इसका दूसरा हिडन फीचर है. चलो आइए मैं आपको इसका तीसरा हिडन फीचर बताता हूँ, जो गाड़ी के अंदर मुझे आपको ले जाना पड़ेगा. तो मैं अपनी गाड़ी अनलॉक करता हूँ, ठीक है, तीसरा हिडन फीचर के लिए. तो तीसरा हिडन फीचर छिपा है इसके अंदर. ये आप देखेंगे, मैं गेट लगा के थोड़ा अंधेरा करता हूँ, ठीक है. ये आप देखेंगे हमारी गाड़ी के अंदर ये है और ये मूव होता है. तो बेसिकली हम इससे क्या करते हैं, इससे हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लाइट जो होती है वो एडजस्ट होती है, ठीक है. अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फीचर. आप ये देखेंगे मैंने इसकी ब्राइटनेस, मैंने लाइट्स ऑन करी तो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके अंदर लाइट्स जल गई हैं. तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो क्या होता है. अब मैं, आप ये देख रहे होंगे इधर, इस चीज़ को जैसे ही मैं वो करता हूँ, रोटेट करता हूँ, तो आप देखेंगे जो मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट है वो डिम
होती है। तो और जैसे मैं इसको राइट साइड में करता हूँ, मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट बढ़ती है, और ये क्लस्टर की लाइट सिर्फ यही नहीं पूरे पैनल में बढ़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे यहाँ पैनल है, इसमें भी लाइट बढ़ रही है और ये पूरे पैनल में कम भी हो रही है। तो ये था सेकंड हिडन फीचर सियाज गाड़ी का, ठीक है। तो और अब मैं इसका तीसरा हिडन फीचर दिखाने जा रहा हूँ जिस, तो फ्रेंड्स अब मैं जो चौथा हिडन फीचर दिखाने जा रहा हूँ उसका बेसिकली रोल है, हमारे जैसा आपने सुना होगा एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, तो चौथा रोल इसी से है। जैसे मैं इसकी की निकालता हूँ, मैंने आपको बताया था इसमें की भी होती है, आप ये देखेंगे ये की है, ये मेरी की है। चलो मैं इसका रोल दिखाता हूँ आपको। मैंने गाड़ी अनलॉक करी, मैं बाहर आया, इसके बाद मैं अपनी गाड़ी को लॉक करता हूँ। जैसे ही मैंने गाड़ी को लॉक किया आप देखेंगे अगर मैं इसको अपने की से ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने इसमें की लगाई, अगर इसमें कोई भी की लगाते हैं, मैंने इसको लॉक अनलॉक किया, वो अनलॉक हो चुकी है, बट जैसे ही मैं गेट को ओपन करूँगा गाड़ी का सायरन बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये भी फायदा है कि आप जो एंटी थेफ्ट लॉक सिस्टम है आपका, और ये बंद फिर सिर्फ किससे होगा, हमारे रिमोट से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी इसे रिमोट से दोबारा अनलॉक करूँगा गाड़ी को। देखिए मैं जैसे ही अनलॉक बटन दबाता हूँ तो मेरी गाड़ी अनलॉक हो जाती है और इसका सायरन बजना बंद हो जाता है। तो ये थे फीचर्स मारुति सियाज के, जो हिडन फीचर्स हैं बहुत कम लोगों को पता होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा मैंने अपने वीडियो में आपको चार हिडन फीचर्स बताए मारुति सियाज के और स्मार्ट की के। तो बस मुझे लास्ट में एक यही मैसेज देना है अपने व्यूअर से कि यार हर यूट्यूबर स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करता है, बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारे मेरे व्यूअर्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं अगर आप मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो प्लीज डिसलाइक भी करें, बट प्लीज 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 अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे वो जो सब लोग पेज बनाते हैं मुझे इवन वो बनाना नहीं आता, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और जो साइड में बेल बटन होता है उसे प्रेस करें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते जाएं। तो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल, बाय।